अभी हम देख रहे हैं आईटीसी का चार्ट, तो आईटीसी का चार्ट देखिए जिससे कि एक प्रीवियस सपोर्ट पे आके खड़ा हुआ है, ठीक है। ये पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, जैसे इस यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद ये सपोर्ट एक्ट किया है, यहाँ पे भी सपोर्ट टाइप एक्ट किया है और अगेन रिट्रेस करने आया है। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बाइंग साइड का, ओके। यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन दे देता है तो सेलिंग आ सकती है, लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी बाइंग का ही ज्यादा है। जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे देता है, यहाँ पे हम लोग लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं, कहीं पे स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन टूटने का हम लोग को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से अगर सेलिंग प्रेशर आ जाता है तो ये जो सपोर्ट है इसको इजीली ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के बाद डाउन साइड फॉल दिखा सकता है। तो वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, देन यू कैन प्लेस ए ऑर्डर।